सिंह साहब थोड़ा अपना डिटेल परिचय दें सर आप अपना। मैं यही प्रधान अध्यापक हूँ मध्य विद्यालय पट्टी टोल। जी सर आपका घर कहाँ हुआ? घर हुआ भीट भगवानपुर मधेपुर ब्लॉक में है। जी सर इससे पहले आप कहाँ थे? हम यहीं पे हैं शुरू से। इसी स्कूल में शुरू से हैं? अच्छा अच्छा। एज ए हेड मास्टर जो सर फर्स्ट ज्वाइनिंग आपका कहाँ था? वहीं पे ज्वाइनिंग भी यहीं था। अच्छा और इसी स्कूल में कंटिन्यू आप? सर अभी आपके स्कूल में कितने शिक्षक हैं सर? शिक्षिका? शिक्षिका एक भी नहीं है जी, शिक्षक पांच हैं। शिक्षक पांच हैं सर। टोटल स्टूडेंट कितना है फिलहाल? टोटल स्टूडेंट हमारे यहाँ है 153। 153 सर। अभी आपके स्कूल में कौन कौन सा समस्या है? आपको सरकार को हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? क्या क्या यहाँ चाहिए सरकार से? आपको क्या मांग है फिलहाल जो एकदम एसेंशियल हो? कौन कौन सा चीज़ का कमी आप देख रहे हैं? जैसे हमारे यहाँ पीने के लिए पानी जी एक ही कल है चापा जी, दो चापा कल खराब है जी। मैंने अपने विभाग को भी PWD को भी जी सूचित किए हैं जी। अभी इलेक्शन आने वाला है जी। मैंने विभाग को कहा भी है, लिखा भी है, मौखिक भी बोले हैं जी। तो हमारे यहाँ सबसे जरूरी है पेयजल की व्यवस्था। एक ही कल है मेरे पास जी। उसी पर पूरा लोड रहता है जी। और करीब करीब सब इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख ही रहे हैं। हाँ। सब कुछ करीब करीब ठीक है, ठीक ठाक है। शिक्षक भी काफी, शिक्षक का भी कमी नहीं है? शिक्षक का कमी है। अब मिडिल मध्य विद्यालय है तो कम से कम 8-9 टीचर चाहिए जी। 6-8 में हमारे यहाँ टीचर नहीं है जी, एक ही शिक्षक जी। उसके लिए भी विभाग को रिक्तियाँ भेजी गई है जी। सर अभी फिलहाल आपके यहाँ टाइमिंग क्या चल रहा है? 9 से 5। 9 से 5 अभी तक तो सुनने में आया कि लेटर इशू आज मान लीजिए होने वाला था। KK पाठक साहब दिल्ली से वापस आए हैं और फिर 10 बजे से 4 बजे तक करने वाले हैं, उसके बारे में लेटर निकली हुई थी लेकिन वो फर्जी घोषित हुआ कि फर्जी लेटर है। अच्छा तो हम लोग इससे नहीं प्रभावित है, 9 से 5 चल ही रहा। 9 से 5 चल ही रहा। हाँ लेकिन लेटर के बारे में तो ये हो गया था कि लेटर दिल्ली से आए हैं, लेटर इशू भी हो गया और आप कह रहे हैं कि फर्जी था तो मान लीजिए उसका खंडन किया गया था शिक्षा विभाग द्वारा जी। और वो 9 से 5 ही चल रहा है, अभी चल रहा है। तो इस पर फिर पुनः विचार तो हो ही रहा है मंत्री तुम्हारा? वो तो विभाग जाने। सर अभी मान लीजिए अब गर्मी का समय आ गया, अभी तो परिवर्तन भी हो गया है। हाँ पहले थोड़ा ठंडा में दिक्कत होता था नौ से आने में, लेकिन अभी तो मान लीजिए तो क्या KK पाठक साहब के आने के बाद स्कूल में जो मान लीजिए मेरिट और डिमेरिट है, क्या क्या आपके नज़र में क्या क्या गुण और अगुण दिखाई दे रहा है? हमारा विद्यालय पहले से भी काफ़ी अनुशासित रहा है जी। हमारे शिक्षक, हमारे स्टूडेंट, हमारा बाल संसद मीना मंच, बच्चों का जो कार्य द्वारा सहभागिता, बच्चों के सहभागिता प्रशासन में कैसे होनी चाहिए विद्यालय एडमिनिस्ट्रेशन में जी। उसका हम लोग शुरू से पालन करते रहे जी सर। तो मेरा स्कूल में कोई खास जैसा था और अच्छा हुआ है जी। और बहुत सुधार है, गुणात्मक सुधार हुआ है जी। और हम पाठक जी सर जो हैं हमारे जी, उनके क्रियाकलाप से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। संतुष्ट तो फिर उनके खिलाफ में सर, उनके खिलाफ अब हर तरह के लोग होते हैं जी सर, है ना जी सर। अब कुछ जैसे कि 5 बजे तक विद्यालय रहना जी, अब अभी 5:30 से VC की बात जी चिट्ठी निकली है जी। तो 5:30 से 6 या 6:30 जी, तो टाइमिंग के लेकर थोड़ा सा है जी कि और छुट्टी का भी कुछ प्रॉब्लम, छुट्टी का भी प्रॉब्लम है। अब जैसे गर्मी छुट्टी वगैरह जो है मई अप्रैल में कर दिया गया है जी, और पहले जून में होता था जी। तो ये सब है,
पूरे बिहार का एक शेड्यूल बना दिया गया है सर। इलेक्शन के भी टाइम में आप लोगों को यूज होता है हाँ, तो इलेक्शन में हर बार तो रहे, इस बार क्या होगा अभी तक तो कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं, लेकिन हर एक बार तो आप लोगों बिना शिक्षक से तो इलेक्शन होता नहीं रहा जी। अब इस बार क्या होगा जी, तो अभी तक तो हम लोगों को कोई ऐसी सूचना नहीं है जी। सर फिर एक बार अपना नाम जी, एक बार फिर अपना नाम लीजिए आप। प्रफुल्ल कुमार सिंह जी। मोबाइल नंबर कितना हुआ सर आपका? 9431400275। धन्यवाद।